अनासक्ति और अटैचमेंट, या यूं कहे कि छिछला प्यार। जब हम प्रेम के संदर्भ में समझ रहे हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो प्यार पतन की ओर ले जाता है या छिछला प्यार है वो, और अनासक्ति, इससे उभर कर हम सत्य या यूं कहो रूहानी प्रेम को कैसे अपने जीवन में लाएं। यदि हम आसानी से लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं तो इससे हमारी ईमानदार रहने की योग्यता कम हो जाएगी। दूसरों को आपसे सत्यता की वैसी अनुभूति नहीं होगी और आपके परस्पर संबंध में भी प्रेम की भावना नहीं होगी। उनमें छिछलापन दिखाई देगा, यद्यपि छिछला प्यार बिल्कुल प्यार न होने से बेहतर है, क्योंकि इससे कम से कम इतना तो सुनिश्चित होता है कि आप बिल्कुल सूखे नहीं हैं। तथापि ये सुस्पष्ट ही है कि ये छिछला प्यार असली चीज नहीं है। तो असली चीज कौन सा प्यार है वो समझे, और उसको अनासक्ति के साथ कंपेयर करके उसे भी डिफ्रेंशिएट करें। ईश्वर हमें प्रेम करने की कला सिखा रहे हैं, वे दाता है, प्रेम के सागर है, और हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। परंतु पहले मुझे अनासक्त रहने की कला सीखनी है। अटैचमेंट में नहीं आना है, ना ही अट्रैक्शन में आना है, क्योंकि इसके बिना मुझे उनके प्रेम पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा। जब तक अनासक्त वृत्ति नहीं होगी, तब तक ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए दावेदार भी नहीं होंगी। अनासक्ति एक कौशल भी है और कला भी। आत्म चेतना की स्थिति में रहकर इसका विकास किया जा सकता है। आत्म चेतना की स्थिति में हम ईश्वर के साथ गहरा संबंध जोड़कर सीमित प्रेम के आकर्षण में फंसने से बच सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि मैं अपनी सच्चे रूहानी स्वरूप की चेतना में इतनी केंद्रित हो जाऊं कि मेरे व्यक्तित्व में जो विपरीत लक्षण मौजूद हो, वे तथा आसपास के सब मायावी आकर्षण स्वतः अस्वीकृत हो जाएं। अनासक्ति के कारण मैं इन सब से प्रभावित नहीं होती तथा अपने रूहानी व्यक्तित्व के मूल्यों को व गुणों को धारण करती रहती हूँ। जितना अनासक्त होंगी, डिटैच होंगी, उतना ही मैं रूहानी मूल्यों को, रूहानी गुणों को धारण कर सकूंगी, और प्रेम भी रूहानी प्रेम होगा, अटैचमेंट वाला नहीं, लगाव झुकाव वाला नहीं। ईश्वर हमें अपना पूरा प्यार देना चाहते हैं। परंतु यदि हम अनासक्ति की पहली शर्त पूरी नहीं करते तो ईश्वरीय प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी नजर किसी दूसरी तरफ मोड़ देने से सत्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा व मेरी प्रगति रुक जाएगी। अतः ये आवश्यक है कि पहले हम अनासक्ति को अपनाएं। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम पहले अनासक्त वृत्ति को धारण करें, डिटैच रहे। जितना डिटैच रहेंगे, न्यारे रहेंगे, उतने ही प्यारे बनेंगे। जैसे न्यारा होता है कमल का फूल, परंतु कितना प्यारा लगता है। कीचड़ में होते हुए भी उससे अटैचमेंट नहीं, ऊपर रहता है तो प्यारा रहता है। इसी प्रकार से दुनिया में रहते, दुनिया से, दुनिया के प्रभाव से, अटैचमेंट से ऊपर न्यारे और सभी के प्यारे रहे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति।